23 दिसंबर साल 2022 को जब आईपीएल के ऑक्शन चल रहे थे तो इस खिलाड़ी के नाम सबसे महंगी बोली लगी अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स में। 6 करोड़ में खिलाड़ी गुजरात टाइटंस को गया। 27 दिसंबर को जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ तो फिर उसमें T20 में इनका नाम आ गया। और 3 जनवरी को जब इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहला मैच खेला तो 4 विकेट निकाल लिए, 4 ओवर 22 रन 4 विकेट पहले मैच में, और ऑल टाइम T20 में इंडिया की तरफ से 3rd बेस्ट परफॉर्मेंस थी। ये कहानी है शिवम मावी की। वो शिवम मावी जो अंडर 19 का हिस्सा थे 2018 में, उस बैच में जिससे शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, अर्शदीप सिंह और कमलेश नागरकोटी आए थे, और वहां से इनकी कहानी यहां पहुंचने की काफी चोट उतार चढ़ाव में। शानदार परफॉर्मेंस किया था उस वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके बाद पीठ की चोट ने परेशान कर दिया। केकेआर में सिलेक्शन हुआ लेकिन परफॉर्मेंस चोट की वजह से नहीं आई, लेकिन मेहनत लगातार जारी रही। इनके साथ वाले नेशनल टीम का हिस्सा बन गए, ये चोट की वजह से रन आउट होते रहे, लेकिन वापस गए और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खूब खेला। उसका असर ये रहा कि इन्हें नोटिस किया गया और नोटिस करने के बाद वापसी करने का मौका मिला। और गुजरात टाइटन जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या है, जब उनकी लीडरशिप में टीम इंडिया का हिस्सा बने और पहला मैच अर्शदीप जो इनके फॉरवर्ड मेट थे उनकी गैर मौजूदगी में खेलने को मिला तो छा गए, और ऐसा छाए कि आज हर कोई चर्चा कर रहा है। हालांकि इससे पहले जिन खिलाड़ियों ने 4 विकेट T20 में लिया था उनका करियर बहुत अच्छा नहीं रहा। बरिंदर सरन उनमें एक थे जो टॉप पर है टॉप परफॉर्मेंस, और दूसरी परफॉर्मेंस जो है वो रही थी प्रज्ञान ओझा की। बरिंदर के बारे में तो ना के बराबर लोग जानते हैं। प्रज्ञान ने टेस्ट मैचेस में अच्छा किया था लेकिन T20 में उनका भी करियर बहुत अच्छा नहीं रहा और वो भी गायब हो गए। उम्मीद करते हैं कि शिवम मावी के साथ ऐसा ना हो और वो भारतीय पेस की आनमान शान लंबे समय तक बने। लेकिन शिवम मावी कहानी इतनी आसान नहीं रही। यहां पर अर्शदीप सिंह जो उनके फॉर्मर मेट थे, जब वो बाहर हुए चोट की वजह से उनकी जगह खेलने का मौका मिला और मौका ऐसा बनाया कि ऑल टाइम 3rd बेस्ट परफॉर्मेंस जो है ये देखने को मिली। लेकिन 2018 में जब इन्हें केकेआर ने लिया था उसके बाद इनसे बहुत उम्मीदें थी। इनकी स्पीड काफी अट्रैक्टिव थी लेकिन फिर पीठ की चोट ने बहुत परेशान किया। आईपीएल में इन आउट होते रहे। हालांकि केकेआर ने इन्हें रखा अपनी टीम में लेकिन फिर आए गए और ये चलता रहा। उसके बाद मुंबई इंडियंस के खिलाफ इन्होंने दिखाया कि इनमें दमखम है। हालांकि केकेआर ने लास्ट ईयर इन्हें रिलीज कर दिया था, इस बार गुजरात टाइटंस ने इन्हें खरीदा और 6 करोड़ में खरीदा, जो हाईएस्ट अनकैप्ड इंडियन प्लेयर है। मुकेश कुमार के साथ इनका टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ। अब अच्छी बात इनके लिए है कि गुजरात टाइटंस ने इन्हें खरीदा और गुजरात टाइटंस के कप्तान जो है वो टीम इंडिया के कप्तान है, लिहाजा इन्हें ग्रो करने काफी मौका मिलेगा, उनके साथ समय बिताने काफी मौका मिलेगा। लेकिन आज इन्होंने उमरान के साथ मिलकर जिस तरह बॉलिंग की ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग थी, और ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया का जो पेस अटैक है उसका भविष्य आने वाले दिनों में काफी अच्छा है। फिलहाल शिवम मावी आपको कैसे लगे? और नोएडा में इनका परिवार जो है वो भी खुशी से झूम रहा था। कई वीडियोस आए हैं जिसमें पेरेंट्स एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, और हो भी क्यों ना, बेटे ने नाम जो रोशन कर दिया है।